लीजिए जी, ये संदर्भ नहीं है। सुशांत शुक्ला जी, अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में सदस्य के रूप में मेरा पहला प्रश्न है और विषय बहुत गंभीर है कि छत्तीसगढ़ में कैंसर संस्थानों की जो केंद्र सरकार ने स्थापना की व्यवस्था 2018 में दी थी उससे जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना बिलासपुर जिले में की जा रही है, यदि हाँ तो इस हेतु कहाँ पर कितनी भूमि आरक्षित / अधिग्रहित की गई है, संस्थान कब और किस योजना के तहत स्वीकृत किया गया है, योजना की कुल लागत कितनी है, कितनी कितनी राशि निर्माण कार्य उपकरण खरीदी तथा अन्य में व्यय किया जाना है, निर्माण हेतु अब तक क्या क्या कार्रवाई की जा चुकी है, प्रश्नांक ख के तहत क के प्रस्तावित निर्माण में केंद्रांश और राज्यांश में कितना कितना है। जी जी जी, आप पहली बार आए हैं मगर प्रश्न बहुत लंबा कर रहे हैं। एक प्रश्न करके बैठ जाइए, फिर दूसरा करिए, फिर बैठ जाइए, फिर तीसरा प्रश्न करिए, उसका जवाब आने दीजिए, सुनिए और उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा प्रश्न करिए और जरूरत होगी तो चौथा का भी मैंने अवसर दूंगा। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आज मंत्री के रूप में पहला प्रश्न का है और दोनों का पहला है। जवाब दे रहा हूं। क्या बात, बढ़िया जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य की दिशा में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना बिलासपुर में जो हो रही है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा है। तो बिलासपुर जिले के कोनी पटवारी हल्का नंबर के सरकंडा में 1.849 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। इस संस्थान के लिए वर्ष 2018 में केंद्र प्रवर्तित योजना स्ट्रेंथिंग ऑफ टर्सरी केयर फॉर कैंसर स्कीम ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवेस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक NPCDCS के तहत स्वीकृत किया गया है। योजना की कुल लागत 115 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसमें उपकरण क्रय हेतु 80 करोड़ 70 लाख रुपए, भवन निर्माण कार्य हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय किया जाना है। भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन से कुल 34 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। निर्माण एजेंसी CGMSC द्वारा निविदा पूर्ण कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में भूतल से छत स्तर पर कार्य प्रगतिरत है। दूसरा का भी जवाब दे दूं अध्यक्ष। बस हो गया, दूसरा बस पूछ लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तावित निर्माण में केंद्रांश एवं राज्यांश कितना कितना है, कितनी कितनी राशि व्यय की जा चुकी है, निर्माण कार्य किस एजेंसी द्वारा दिया गया है। केंद्रांश और राज्यांश बता दीजिए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित निर्माण कार्य में केंद्रांश 60% व राज्यांश 40% रुपए व्यय किया गया है। इसके लिए केंद्र से 69 करोड़ 12 लाख रुपए व राज्य से 46 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 22-23 में निर्माण एजेंसी को 20 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य CGMSC लिमिटेड रायपुर को दिया गया है और निर्माण कार्य लगभग 30% पूर्ण हो चुका है। चलिए तीसरा प्रश्न। कैंसर संस्थान बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, ये कब तक प्रारंभ किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो समय सीमा कार्य की बताया जाना संभव नहीं है, परंतु फिर भी माननीय सदस्य की जिज्ञासा है तो इसमें टेंडर के अनुसार पूर्णता दिनांक 5/1/2025 तक की है और कोशिश ये रहेगी समय सीमा में पूर्ण हो और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को एक नया कैंसर संस्थान प्राप्त हो सके। और कोई प्रश्न? हाँ, उनका हो जाए फिर आपको देता हूँ। जी माननीय मंत्री जी ने बताया समय सीमा बताया जाना विषय नहीं है, क्योंकि मेरे आपके माध्यम से प्रश्न मंत्री जी की तरफ है कि संबंधित निविदा चूंकि दूषित हो गई थी पूर्ववर्ती व्यवस्था में प्रशासनिक कारण से, तो उसकी व्यवस्था के क्या सुधारते हुए आने वाले समय में सुनिश्चितता के आधार पर जो नियम के तहत तय हुए है समय सीमा, उसमें यह कैंसर संस्थान पूर्णता को प्राप्त करेगा? बताइए। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, भविष्य में जो भी इसमें होंगे उसको पूर्ण करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिलासपुर जिले में कैंसर का अस्पताल बनना है और इसके लिए हम सब चिंतित भी हैं कि ये बनना भी चाहिए। माननीय मंत्री जी,
आपने उपकरण क्रय हेतु 80.70 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, तो इसके संबंध में मुझे ये जानना है कि क्या ये उपकरण खरीदी भवन बनने के पहले इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? और इस और सुन लीजिए ना, बस एक बार में ही पूछ लेता हूँ। और दूसरा, आप अपने दौरे में आप सब मेडिकल कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, बहुत अच्छा है आपका प्रयास, मैं भी आपके संग सिम्स गया था, तो ये कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पर बन रहा है वहाँ के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके इसकी समीक्षा बिलासपुर में करके इस गति को, काम की गति को प्रदान करने का कष्ट करेंगे क्या? और ये बताएंगे कि ये जो 80 करोड़ रुपया जो पैसा मंजूर हुआ है उसमें कैंसर के इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी लगते हैं दवाई के उपकरण, तो ये आप खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं क्या? और नहीं किए हैं तो कब तक के होगा ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा चिंता व्यक्त की है। अगला प्रवास में जब भी बिलासपुर जाना होगा, समय से पहले उस क्षेत्र के माननीय विधायकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके किस प्रकार से हम जल्द से जल्द कैंसर संस्थान प्रारंभ कर सकते हैं उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही सामग्री करे हेतु इन्होंने विषय रखा है, उसमें CGMSC के द्वारा 5 उपकरणों को क्रय करने संबंध में निविदा की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। अगर आप बोलें तो उपकरण का नाम भी बता दें। अरे आप उपकरण का नाम बताएंगे तो मेरे पिताजी भी नहीं समझेंगे। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप हाई लेवल मीटिंग करके संबंधित सभी अफसरों से उपकरण की खरीदी के लिए भी प्रयास तेज करिए, मीटिंग करके सुनिश्चित करिए कि सामान की खरीद प्रक्रिया जटिल है। और आप एक बार वहां जाके समीक्षा तो कर लीजिए मंत्री जी। नहीं, वो तैयार हैं, वो तैयार हैं, आपको भी बुला लेंगे। चलिए जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता ही हूँ। ठीक है, राम कुमार यादव, प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था। देखिए, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था, उससे पहले वरिष्ठ सदस्य हो गए थे। आपका और कोई प्रश्न है जो बाकी है वो कब तक हो जाएगा इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी। हमने प्रक्रिया पूरी कर दी है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि चूंकि ये सामान खरीदने में टाइम लगता है, कुछ सामान विदेश से भी उपकरण आते हैं, ये बड़ा संस्थान है, हमने प्रक्रिया चालू कर दी। पूछने का आशय ही यही है माननीय मंत्री जी, रुपया की घोषणा आपने कर दी है, रुपया है तो प्रक्रिया में टाइम लगेगा, विदेश से आएगा तो फिर जानते हैं आप बहुत धीरे धीरे काम चलता है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक तरफ बिल्डिंग बने तो दूसरी तरफ मशीनों की खरीदी का भी काम करें। और आप समीक्षा करेंगे, आपके जाने से विभाग में गति मिलेगी और काम आगे बढ़ेगा। बिलासपुर को सिर्फ कैंसर अस्पताल चाहिए और आप उसको देने के लिए प्रयास करिए, यही इस प्रश्न के माध्यम से आपसे सुझाव है। बोलिए तुम्हारा अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी क्या ये बताना चाहेंगे कि क्या इसी स्थापना के साथ मनेंद्रगढ़ में स्वीकृत कैंसर रिसर्च सेंटर को भी पुनः स्वीकृत कर प्रारंभ करेंगे क्या, और कब तक स्वीकृत करेंगे? मनेंद्रगढ़ कहाँ से आ गया इसमें? इसी के साथ संलग्न है। चलिए माननीय अध्यक्ष, पहले स्वीकृत हुआ था सर। चलिए जवाब पहले नहीं, मैं भी निवेदन कर देता हूँ किसान के प्रश्न पे। मनेंद्रगढ़ में पहले कैंसर हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत हुआ था, रिसर्च सेंटर के लिए, वो काम हुआ नहीं है, उसको भी आप जरा बढ़ा दीजिए, उसको भी जरा चिंता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 में केंद्र सरकार से राज्य कैंसर संस्थान हेतु एक बिलासपुर में और मनेंद्रगढ़ में एक टर्सरी केंद्र हेतु प्रस्तावित था, परंतु पिछले 5 सालों में वो डेड फाइल हो गया ऐसा लगता है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में मनेंद्रगढ़ में टर्सरी कैंसर टर्सरी खोलेंगे।